Welcome back everyone in class 3rd. So you know very well chapter number 7 multiplication is going on. So today we will discuss a new exercise 7H. So see the question number 1 of exercise 7H. And question number 1 is 47 children send 20 new year cards each. So how many cards did they send in all? Question का meaning बेटा ये है कि 47 जो childrens हैं उनमें से every children 20 new card, new year cards क्या कर रहा है, वो send कर रहा है. Clear है? So how many cards means आपको ये बताना है total number of cards उन्होंने कितने send किए. Clear है बेटा? One children कितने कर रहा है? 20. Clear? So now see the solution of this question. आपको बेटा नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ कार्स सेंड बाय ए चाइल्ड कितने सेंड कर रहा है बेटा, वो 20. वन स्टूडेंट कितने सेंड कर रहा है? 20. तो आप देखिए बेटा टोटल नंबर ऑफ कार्स sent by 47 children with a 47 multiplied by 20. 47 multiplied by 20. Clear beta? फिर से repeat कर देखो. Number of cards sent by a child, एक single child के द्वारा जो cards throw किए जा रहे हैं, send किए जा रहे हैं, वो कितने हैं? 20 हैं. Clear? तो आपने लिखा total number of cards में school जो card हैं सेंड बाय 47 children. 47 children के थ्रू टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने सेंड किए गए हैं वो फाइंड करना है. 47 मल्टीप्लाई बाय 20. क्लियर है? बाकी बेटा 47 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 07 बेटा 0 एंड 04 बेटा 0. क्लियर है? देन 27 इज जस्ट 14 टू कैरी ऑन एंड 24 इज 9. Then add करें बेटा 0, 4 plus 0 just 4 and 9 elements. So 940. So total number of cards कितने बेटा 940. And this is the required answer. ये क्या आपका required answer? फिर से repeat करें बेटा. देखो आपने लिखा कि number of cards sent by a child, एक single child के द्वारा जो send किए गए number of cards वो कितने हैं? 20. ठीक है? तो आपने लिखा टोटल नंबर ऑफ कार्ड सेंड बाय 47 children. 47 children के थ्रू कितने नंबर ऑफ कार्ड सेंड किए जा रहे हैं? तो आप 47 × 20 लिखेंगे. दोनों की आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई की, देन आपने लिखा यहाँ पे 940. एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट. एवरीवन क्लियर बेटा? नाउ आफ्टर दिस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा. Question number 3 is, a box has a dozen eggs, means 12 eggs. A box has a 12 eggs, so how many eggs do 35 such boxes? Egg box में कितने eggs हैं? 12 eggs हैं. So ऐसे ही 35 box में कितने eggs होंगे, ये आपको find करना है. Clear है? तो आप देखिए number of eggs in a box. Question number 3, solution देखिए बेटा. Number of eggs. Number of eggs in a box. एक single box में कितने number of eggs हैं? 12 eggs. Number of eggs in a box. एक single box में कितने egg हैं? 12 eggs हैं. Total number of eggs, total number of eggs in कितने बॉक्स में बोल रहा है बेटा? 35 बॉक्स. 12 मल्टीप्लाई बेटा 35. आपने लिखा नंबर ऑफ एग्स इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में कितने एग्स हैं? 12 एग्स हैं. तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स इन 35 बॉक्सेस, 35 बॉक्स में कितने एग्स होंगे, ये आपको बेटा फाइंड करना है. क्लियर है? नाउ मल्टीप्लाई करें बेटा.
12 मल्टीप्लाई 35। तो देखो बेटा कैसे कर रहे हैं, 5 टू जा 10 कैन इज जस्ट 1 बेटा, 5 टू जा 5 प्लस 1 सो 6, 1 प्लेस छोड़ देंगे आप, 3 टू जा 6 एंड 3 बन जा 3, 10 बेटा ऐड कर देंगे 0 एज इट इज बेटा, 6 एंड 6 जस्ट 12, 10 की हो जाएंगे आपके पास 1 हो जाएंगे बेटा, 3 प्लस 1 जस्ट 4, टोटल का बोलो तो एक्स कितने फाइंड हुए बेटा 420 एंड 420 इज द रिक्वायर्ड आंसर एवरीवन के लिए बेटा। नाउ आफ्टर दिस सीधा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। A man buys 36 bananas for his monkeys every day. एक व्यक्ति है जो अपने मंकी के लिए डेली 36 bananas क्या कर रहा है, खरीद रहा है। So how many bananas does he buy in a month? तो एक मंथ में वो टोटल कितने नंबर ऑफ bananas खरीद लेता है अपने मंकी के लिए बेटा, ये फाइंड करना है आपको, क्लियर है। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, नंबर ऑफ bananas नंबर ऑफ बनानास बोर्ड बाय द मैन इन वन डे कितने खरीद रहा है बेटा, वो 36 कितने खरीद रहा है, वो 36 खरीद रहा है, ठीक है। सो इन एक मंथ, मंथ का मीनिंग क्या हुआ बेटा, 30 days इन ए मंथ इक्वल टू 30 days इन ए मंथ, मंथ में मीन 30 days में कितने खरीदेगा वो, 36 बेटा मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 30 बेटा, 36 को आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 30 के साथ करेंगे बेटा। देखो मल्टीप्लाई 060 03 0 0 6 0 0 3 0 वन प्लेस आर छोड़ देंगे बेटा, 3 6 18 कैरी जस्ट 1 3 3 9 1 10 देन ऐड करें बेटा 0 एज इट इज 8 प्लस 0 8 0 एज इट इज 10 1 ऐड सो 1080 टोटल नंबर ऑफ बनाना कितने का एक बार आया वो 1080 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर एवरीवन के लिए बेटा। Now after this, see the next question. Next question देखें बेटा। Question number 5. A bar. The heart beats 72 times in a minute. एक मिनट में हार्ट बीट कितने टाइम्स धड़कती है, 72 टाइम्स। सो हाउ मेनी टाइम्स डज इट बीट इन 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स में भी जो हार्ट बीट है वो आपको कितने टाइम्स सुनाई देगी, क्लियर है बेटा, ये फाइंड करना है। पास ही होंगे द हार्ट बीट इन ए मिनट, एक सिंगल मिनट में कितने टाइम बेटा, 72 टाइम्स द हार्ट बीट इन ए मिनट 72 टाइम्स, क्लियर है बेटा। द हार्ट बीट इन 60 मिनट, आपको कितने मिनट के लिए फाइंड करना है, 60 मिनट के लिए फाइंड करना है 60 मिनट, 72 मल्टीप्लाई बाय 60, 72 मल्टीप्लाई बाय 60, आपको क्या करना है 72 की मल्टीप्लाई करेंगे आप किसके साथ, 60 के साथ। फिर से रिपीट करें बेटा, देखो क्वेश्चन है कि द हार्ट बीट्स इन ए मिनट, एक मिनट में जो हार्ट बीट आपको सुनाई देती है वो 72 टाइम्स सुनाई देती है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कि वो 60 मिनट में कितने टाइम सुनाई देगी आपको, तो आपने लिखा द हार्ट बीट्स इन 60 मिनट, 60 मिनट में कितने हार्ट बीट्स होंगे तो आपको वो फाइंड करना है, क्लियर। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, 72 एंड मल्टीप्लाई बाय 60, 72 मल्टीप्लाई बाय 60 so 020 and 070 okay and 6 to 12 beta carry 1
प्लस वन जस्ट 43। देन बेटा ऐड करेंगे आप जीरो ऐड विद बेटा जीरो टू टू एंड थ्री ऐड विद बेटा एंड फोर ऐड विद सो 4320 4320 टाइम्स आपको हार्ट बीट्स माइनस क्लियर बेटा फिर से रिपीट करें देखो द हार्ट बीट्स इन ए मिनट 1 मिनट में 72 टाइम्स है द हार्ट बीट्स इन ए 60 मिनट्स में कितने टाइम्स हो जाएगी 72 × 60 4320 टाइम्स एवरीवन क्लियर बेटा नाउ आफ्टर दिस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इफ ए डे हैज 24 आवर्स एक दिन दिन में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स होते हैं सो हाउ मेनी आवर्स डज ए मंथ एक मंथ में कितने आवर्स होंगे आपको बेटा फाइंड करना है क्लियर है एक मंथ के लिए आपको फाइंड करना है कि एक मंथ में कितने नंबर ऑफ आवर्स होंगे तो आप लिखिए बेटा इन ए डे इक्वल्स टू 24 आवर्स इन ए डे वन डे में कितने आवर्स हैं 24 आपको वन मंथ के लिए फाइंड करना है तो आप लिखेंगे वन मंथ इक्वल्स टू 30 डेज वन मंथ इक्वल्स टू 30 डेज एक मंथ में कितने डे होते हैं बेटा 30 वन मंथ इक्वल्स टू 30 डेज तो डेज को कन्वर्ट करना है इसमें आवर्स में 30 मल्टीप्लाई 24 आवर्स रीजन ये बेटा क्योंकि वन डे में कितने आवर हो रहे हैं 24 हो रहे हैं तो आप क्या लिखोगे 30 × 24 ओके मल्टीप्लाई करें बेटा देखो 30 को आपको मल्टीप्लाई करना है 24 के साथ 400 एंड 43 जा 12 400 एंड 43 जा 12 देन 200 एंड 43 जा 6 ऐड करें बेटा 0 ऐड इज 20 2 एंड 6 का 7 720 योर रिक्वायर्ड आंसर इज 720 आवर्स वन मंथ में कितने आवर्स होते हैं 720 क्लियर स्टूडेंट्स नाउ सी द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5 एंड सी पार्ट An apartment block has 186 flats. एक apartment में 186 flats हैं बेटा. So how many flats? कितने number of flats होंगे? 8 such blocks. इसी type के 8 blocks में कितने number of flats होंगे? ये आपको बेटा find करना है. See the solution of this question. First of all, we write number of flats in an apartment. आप इसको बेटा number of flats. In an apartment. So one apartment में कितने number of flats हैं? 186. क्लियर बेटा? आपको कितने में find करना है? 8 में. तो आप लिखेंगे total number of flats in 8 अपार्टमेंट बेटा 186 एंड मल्टीप्लाई बाय 8 186 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 8 के साथ ओके सो बेटा करेंगे देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है देखो आपको 186 एंड मल्टीप्लाई बाय 8 86 जा 48 कैरी जस्ट 4 88 जा 64 एंड प्लस 68 कैरी जस्ट 6 एट बन जाए 8 एंड 6 जस्ट 14 सो 1488 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फिर से एक बार क्लियर करें आपने लिखा नंबर ऑफ फ्लैट्स इन एन अपार्टमेंट एक अपार्टमेंट है उसमें नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने हैं 186 ओके देन टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स इन एट अपार्टमेंट तो एट अपार्टमेंट में मतलब इसी टाइप के एट अपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ फ्लैट्स होंगे बेटा 8 मल्टीप्लाई 186 आप दोनों की मल्टीप्लाई की यहां पर तो आपको क्या रिक्वायर्ड आंसर है 1488 फ्लैट्स इस
इसका मीनिंग हुआ कि ये जो अपार्टमेंट है, जो ब्लॉक है, उसमें 1488 क्या हुए फ्लैट्स। क्लियर है? नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बिरजू डिलीवर्स 150 पैकेट्स ऑफ मिल्क एवरी डे। जो बिरजू है वो डेली 150 पैकेट्स एवरी डे डिलीवर कर रहा है मिल्क के, मींस दूध के। सो हाउ मेनी पैकेट डज ही डिलीवर इन 15 डेज। तो आपको ये फाइंड करना है कि वो 15 डेज में कितने नंबर ऑफ पैकेट्स डिलीवर कर पाएगा। क्लियर है ना? सीधा सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन आप लिखिए बेटा, नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ मिल्क डिलीवर बाय बिरजू इन वन डे इक्वल्स टू 150। आपने लिखा नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ मिल्क, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ मिल्क डिलीवर्ड बाय बिरजू इन वन डे। ओके, वन डे में कितने नंबर ऑफ पैकेट्स को डिलीवर कर रहा है? 150। आपको कितने के लिए फाइंड करना है? 15 डेज के लिए। तो आप लिखेंगे इन 15 डेज, इन 15 डेज। बेटा 15 डेज के लिए फाइंड करना है। 150 मल्टीप्लाई बाय 15, 150 को आप मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 15 के साथ। बेटा करेंगे 500 5 25 कैरी बेटा 2 5 5 7 बेटा। ओके, 100 1 5 5 and 1 1 1 फिर से चेक करें, 500 5 5 25 कैरी 2 5 5 5 7 100 1 5 5 and 1 1 1 जीरो ऐड कीजिए बेटा, 5 + 0 5 7 + 5 12 कैरी 1 and 1 + 1 2 2250 मिल्क के जो पैकेट्स हैं वो डिलीवर कर पाएगा। एवरीवन के लिए बेटा सभी को क्लियर है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे बेटा। थैंक यू एवरीवन।